हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप। और आज का जो हमारा नया चैप्टर है, आपको एएनवी आर्टिकल्स हमने करवा दी हैं। अब मैं आपके लिए देख रहा हूँ मॉडल। तो मॉडल किसे कहा जाता है, पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, इसी की परिभाषा जान लेते हैं कि मॉडल कहते किसको है। मॉडल परिभाषा डेफिनेशन, वे शब्द जो व्यक्ति के मनोभावों को प्रकट करते हैं, यानी उसके मन के भाव को दर्शाते हैं, वो शब्द मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स इस प्रकार हैं, यानी आपके जो एग्जाम है हाईकोर्ट वाला, उसमें मॉडल कौन कौन से आएंगे, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूजर टू, कुड और टू, यानी ये मॉडल होते हैं। अब इनका अर्थ समझ लेते हैं कि कैन का क्या होता है। कैन का अर्थ होता है सकना, और ये वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है। कुड का मतलब है, होता है सका, यानी भूतकाल में अपनी योग्यता बताने के लिए किया जाता है। शैल का मतलब गा देगी, भविष्य में कोई चीज बताने के लिए किया जाता है। शुड का मतलब चाहिए, यानी नैतिक कर्तव्य के लिए बताया जाता है कि हमें बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, हमें जो ट्रैफिक लाइट है उसको ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। विल का मतलब क्या होता है, गा देगी, यानी ये भी भविष्य में चीजें बताने के लिए काम आता है, शैल और विल। और वुड का मतलब भी चाहिए। और मे का मतलब सकना, वर्तमान समय में आता है ये। और मे का पास्ट क्या होता है, माइट, यानी सका। जिस प्रकार कैन से कुड बना था, उसी प्रकार मे से माइट बना है। और मस्ट, यानी मस्ट का मतलब होता है कोई चीज फोर्स किया जाए, बाध्य किया जाए कि आपको, जैसे कल आपको स्कूल की यूनिफॉर्म में आना होगा, यानी इस प्रकार कह रहा हूं, वहां पे मस्ट होता है। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए। यूजर टू, इसके दो अर्थ होते हैं, तो आदि होना, तो एक हुआ करता था, यानी ये कभी यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, या वो आदमी शराब पीने का आदि है, तो वहां भी यूजर टू का प्रयोग होता है। अब देखिए ओ टू का मतलब है चाहिए, ये हमें नैतिक कर्तव्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। शुड और इन दोनों का अर्थ नैतिक कर्तव्य के लिए करते हैं हम, ओ टू का मतलब चाहिए। नीडंट, नीड नॉट, यानी आवश्यकता नहीं है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, यहाँ पे नोट लगा दिया, ये नकारात्मक भाव देगा, जैसे आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए मॉडल्स के साथ नोट लगाने से ये वाक्य नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, यानी नकारात्मक अर्थ देते हैं बाद में मॉडल। जैसे हमने कैन में नोट जोड़ा, तो यह बन गया कैन नॉट, कांट, ठीक है, नहीं सकना। या हमने कुड नोट में, यानी कुड में नोट जोड़ा, इसका मतलब कुडंट, यानी कुड नोट, नहीं सका। या हमने शुड में नोट जोड़ा, तो इसका मतलब शुडंट, यानी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आपको पहले मॉडल की परिभाषा बता दी गई है, ये मॉडल के प्रकार बता दिए गए हैं, और अब आपको मैं डिटेल से हर जो टॉपिक है वो करवाऊंगा। तो देखिए, आपको मैंने कहा था कि मैं डिटेल्स में आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम कैन का प्रयोग समझते हैं आज, ठीक है। कैन का अर्थ क्या होता है, सकना, यानी मैं यह काम कर सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं वाहन चला सकता हूँ, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, तो मतलब सकना शब्द जो है वो कैन का सूचक है, ठीक है। तो वर्तमान में एबिलिटी किसको कहते हैं, योग्यता को। पावर यानी ताकत, कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य, कैपेसिटी यानी क्षमता आदि बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। एबिलिटी का मतलब योग्यता, पावर का मतलब ताकत, कैपेबिलिटी सामर्थ्य, और कैपेसिटी क्षमता आदि बताने के लिए किया जाता है। इनफॉर्मल परमिशन, यानी इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक, और परमिशन अनुमति, यानी अनौपचारिक अनुमति के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। अनुमति मांगने के लिए और अनुमति देने, दोनों के लिए ही कैन का प्रयोग होता है। जैसे हम, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर एक देखिए आप, कैन आई टेक योर पेंसिल, ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो पर्सन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूं, इसमें इनफॉर्मल परमिशन है। अगर इस प्रकार यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ था और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया होता,
तो आप सोचते कि आई टेक योर पेंसिल, ये ऐसा दे रखा है और नीचे कैन कुड सेल्फ शुड जो भी दे दिया ऑप्शन, तो आप देखते हैं कि इसमें इनफॉर्मल परमिशन है अनौपचारिक अनुमति, तो यहाँ पे हमें कैन मांगना पड़ेगा, ठीक है, क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ, अनुमति मांग रहा है। यू कैन सिट हियर, यहाँ मैंने कैन ब्लैक्स मान लीजिए आप, यहाँ अगर आपको पूछ लीजिए क्या बदलेगा तो देखिए यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, इसमें अनुमति दे रहा है, इनफॉर्मल परमिशन है इसमें, अनुमति उसमें तो ली थी और इसमें अनुमति दे रहा है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिर है आई ब्लैक शोर दिया लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, यहाँ पे कैन ने गोला बना रखा है ना मैंने, ये दर्शाने के लिए कैन बना देगा। आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, कैन का मतलब सकना, आई मैं दिस यह बॉक्स संदूक, मैं ये संदूक उठा सकता हूँ, यहाँ पे क्या बता रहे हो, पावर बता रहा है कि उसमें इतनी ताकत है कि वो संदूक को उठा सकता है। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इसमें एबिलिटी बता रहे हैं, अपनी योग्यता बता रहे हो कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, इसमें योग्यता दर्शाई गई है। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं एक कार चला सकता हूँ, इसमें उसकी क्षमता बताई गई है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है क्षमता, तो यहाँ भी उसकी क्षमता बताइए कि मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ अंग्रेजी, इसमें उसकी एबिलिटी बताई गई है, योग्यता है उसमें बोलने की, इसलिए यहाँ पे कहना है। यू कैन डू इट, आप तुम इसे कर सकते हो, यानी वो कोई कह रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, इसका मतलब आपके अंदर पावर है, ताकत है, इसलिए यहाँ पर कहना है। तो अब मैं आपको आगे दूसरा जो कैन के बाद कुड का प्रयोग करूंगा और आगे फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए कैन के बाद में उसका जो पास्ट है टेंस, वो हम कुड समझते हैं, कैन वर्तमान के लिए और कुड जो है वो पास्ट टेंस के लिए आता है, यानी कैन का पास्ट टेंस कुड है, यानी वर्तमान में कैन और पास्ट में कुड, वर्तमान में कैन और पास्ट में कुड। कुड का अर्थ होता है सका, यानी कैन का अर्थ सकना होता है, कुड का अर्थ होता है सका। भूतकाल में अपनी एबिलिटी यानी योग्यता, पावर यानी ताकत, कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य और कैपेसिटी यानी क्षमता बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है, यानी यही चीजें कैन में थी लेकिन वो वर्तमान समय के लिए प्रयुक्त होता है और ये पास्ट के लिए भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है। और वर्तमान में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग होता है, पोलाइट किसको कहते हैं, विनम्र, और रिक्वेस्ट निवेदन यानी प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना, और वो अगर प्रेजेंट में होते ना वर्तमान में तो कभी कभी उसमें भी आप कुड भर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वाज यंग, ये क्या कह रहे हैं कि मैं 100 kg वजन उठा लेता था जब मैं जवान था, यानी ये कहते हैं पीछे की भूतकाल के बारे में बता रहा है, ये उसकी जो कैपेसिटी क्षमता बता रहा है भूतकाल की, कि आई मैं उठ सका लिफ्ट उठाना 100 kg यानी 100 kg वेट वजन वहन जब आई मैं वाज था यंग जवान, जब मैं जवान था तो 100 kg वजन उठा सकता था, तो ये पास्ट की बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे उड़ाया, ठीक है। और अब अगले वाला उदाहरण देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था, यानी ये भी भूतकाल की जो है कैपेसिटी बता रहा है अपनी क्षमता, कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत तेज दौड़ लगा सकता था, तो यहाँ पे कुड आया, आई मैं कुड सका रन दौड़ना फास्ट तेज वहन जब आई मैं वाज था यंग जवान, यानी जब वहन वाले वाक्य आ जाए ना और उससे पहले रिक्त स्थान हो तो वहां पे प्राय कुड ही बना जाता है, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल देखिए, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे, यानी इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र प्रार्थना की गई कि क्या आप मेरी मदद करेंगे।
तो इसमें यू का मतलब क्या होता है, आप प्लीज कृपया हेल्प मदद करना, मी मेरी सकते आप मेरी मदद कर सकेंगे, तो ये वर्तमान में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको टेन कुड के मिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताता हूँ, यानी आपके जो एग्जाम में आते हैं। तो अभी मैंने आपको टेन और कुड का प्रयोग करना बताया, तो इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर एक, आई ब्लैक सोल्जर रीड विदाउट ग्लासेस व्हेन आई वाज यंग, मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था जब मैं जवान था। तो आपको पता है ये भूतकाल की बात बता रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि मैं जब जवान था तो मैं बिना चश्मे के ही पढ़ सकता था। तो आपको पता है ये वर्तमान की बात कह रहा है या भूतकाल की, आप ये देखिए, ये अपने बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, यानी भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं, शुड और वुड, इनका तो प्रयोग अभी मैंने करवाया नहीं है। अब आपको कैन कुड में से चूज करना है। ठीक है, तो जब भूतकाल के बारे में अपनी आदत बताए, अपनी कोई क्षमता या पावर बताए, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो आप राइट आंसर डी भर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकेंड, ही ब्लैंक्स रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है, ये भूतकाल की बात है या वर्तमान काल की आप देख लीजिए। ये कह रहा है कि वह तेज दौड़ सकता है, यानी ये नहीं कहा कि वह तेज दौड़ सकता था, अगर था तो भूतकाल की होती, अगर है आए हैं तो आपको पता है वर्तमान की बात है। तो यहाँ पे हम शुड और वुड का प्रयोग तो अभी करवाए नहीं है मैंने, आपको कैन कुड दो में से चूज करना है। तो जो वर्तमान की बात है तो वहां पे हम कैन भरते हैं, अपनी क्षमता बता रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर दीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, ही ब्लैंक्स राइट ब्यूटीफुल लेटर्स, वह सुंदर अक्षर लिख सकता है, लेटर्स का मतलब पत्र भी होता है लेकिन यहाँ पे अक्षर है, लेटर्स का मतलब अक्षर, ब्यूटीफुल सुंदर, राइट लिखना ही, वह सुंदर अक्षर लिख सकता है। अब देखिए भूतकाल की बात या वर्तमान काल की बात, अगर वह सुंदर अक्षर लिख सकता है तो ये वर्तमान के बारे में बता रहा है। तो आपको पता है शुड और विल दोनों का प्रयोग मैंने करवाया नहीं है, अब आपको कुड और कैन में से चूज करना है। तो वर्तमान के लिए कैन बना देगा, राइट आंसर आप डी कर दीजिए। अब देखिए कैन कुड के मिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी तीन आपको मैंने पहले बताए थे और क्वेश्चन नंबर चार से स्टार्ट कर रहे हैं। वी ब्लैंक छोड़ दिया लर्न बाई मिस्टेक्स, हम गलतियों से सीख सकते हैं, यानी सकते हैं ये कहा है, सका नहीं कहा, यानी हम गलतियों से, वी मीन्स हम, ब्लैंक्स लर्न सीखना, बाई के द्वारा, मिस्टेक्स गलतियां, हम गलतियों के द्वारा सीख सकते हैं, यानी सकते हैं, इसका मतलब आपको पता है कि मैंने बताया वर्तमान में अगर कोई बात बताई जाए अपनी योग्यता या पावर या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, तो वर्तमान के लिए कैन भरा जाता है। तो यहाँ पे शुड और विल का प्रयोग तो मैंने भी करवाया नहीं है, कुड और कैन में से आप चूज कीजिए और राइट आंसर है डी इसका। ओके, राइट आंसर डी भर दीजिए, यानी कैन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बॉडी ब्लैंक्स छोड़ दिए यहाँ पे, मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है, एनी बॉडी का मतलब कोई भी व्यक्ति, मेक यानी बनाता है या करता है, मिस्टेक गलती, यानी गलती कोई भी कर सकता है ये कह रहे हैं। तो वर्तमान में इसकी संभावना बताई गई है कि गलती कोई भी कर सकता है, तो सकता है का अर्थ देने वाला शब्द कैन है, कुड किसका अर्थ देता है, सका था इसका अर्थ देता है। तो इसमें भी हम जो कैन और कुड में से चूज करेंगे, शुड और मे का प्रयोग अभी मैंने करवाया नहीं है, वो बाकी है। तो आप इसमें राइट ऑप्शन बी भर दीजिए, कैन। और अगले वाला है, द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन एज फास्ट एज आई ब्लैंक छोड़ दिया, भौंकते हुए कुत्ते ने मुझे इतना तेज दौड़ाया जितना मैं तेज दौड़ सकता था,
बार्किंग का मतलब क्या होता है? भौंकता हुआ। ऑफ द डॉग यानी कुत्ता। मैड बनाया मी मुझको, रन दौड़ना। एज फास्ट एज इतना तेज जितना की, एज एज का मतलब इतना तेज जितना की। आई मैं ये कहता है कि भौंकते कुत्ते ने मुझे इतना तेज दौड़ाया जितना तेज मैं दौड़ सकता था। तो इसमें वर्तमान की बात नहीं बता रहा है, ये भूतकाल की बता रहा है। तो भूतकाल में की बात अगर बताई जाए तो वहां पे कुड बना जाता है, कैन वर्तमान के लिए आता है। सेल और शुड का प्रयोग अभी करवाया नहीं है, तो कैन कुड में से हम ऑप्शन चूज करेंगे कुड। तो राइट आंसर इसमें बी भर दिया हमने। तो आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा भी दबाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक था मॉडल्स का, आपको कैन और कुड का प्रयोग मैंने समझाया, और बाकी जो सेल शुड विल वुड मस्ट मे माइट और टू यूजर टू नीडेंट ये जो मॉडल्स बाकी हैं उनका अगले वाले जो टॉपिक अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है इसकी जो भर्ती निकली है इसमें जो इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का उससे संबंधित एक वीडियो हमने जो है आप अपलोड कर लिया है, अगर आप देखना चाहें तो उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में बस मॉडल्स के बारे में इतना ही। मैं शीशराम धनोदिया आज के इस टॉपिक में लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।